पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ दिनों पूर्व जिला स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता एसआईपी अबेकस और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश चित्र के माध्यम से दिया था। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले प्रतिभागियों को मेडल और स्मृति चिन्ह के साथ ही प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर अनुषा के हाथों विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। वहीं सेंट एंसल्म स्कूल में फादर की मौजूदगी में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रत्येक स्कूल से तीन तीन सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को चयनित किया गया था। प्रतियोगिता हो रही थी सिंगल यूज प्लास्टिक की, राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड एसआईपी अबेकस के साथ में मिलकर एक प्रतियोगिता हुई थी। इसमें ऑलमोस्ट 1,00,000 से ज्यादा बच्चों ने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था। 40,000 बच्चों को हमने राउंड टू में सेलेक्ट किया और 600 बच्चों को हमें राउंड थ्री में सेलेक्ट किया। सो आज हम स्कूल में हैं, जिसमें हम जो 600 बच्चे जिन्होंने राउंड थ्री में पार्टिसिपेट किया, उनमें से जो बच्चे जीते प्राइज, उनको हम सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफी हैंडओवर कर रहे हैं। अजमेर के विभिन्न विभिन्न स्कूलों में हमने ये ट्रॉफी हैंडओवर की है। सेंट मैरी, सेंट पॉल, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, एचकेएच स्कूल, सेंट एंसलम स्कूल, रायन एजुकेशन, रायन इंटरनेशनल स्कूल, इन सब में हमने ये किया है। हम बहुत गदगद महसूस कर रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा भाग अच्छे से भाग लिया और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। थैंक यू। ठीक है, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम संदीप शर्मा है। आई एम फ्रॉम एसएपी एकेडमी।